दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार आपका स्वागत करता हूँ कुमार प्रिंसिपल चैनल पर। और आज हम फिर आ गए हैं इस नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बीए ऑनर्स डीयू बीए ऑनर्स जो डीयू सब डीयू है डीयू यूनिवर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल कोर्स जो है उसकी एक बुक है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। और वो सीबीसी सेमेस्टर जो नया पैटर्न इस साल आया है ड्यू सोल वालों का और टेट रेगुलर वालों का, उसी पैटर्न का हम आज वो मतलब अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आज जो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। जैसे कि ये देखिए, हम अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी हमारी बुक है, ये वाली अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी ये हमारी बुक है। और आज इसमें टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा राजनीतिक क्या है, राजनीतिक क्या है, राजनीतिक का सिद्धांतिकरण और राजनीति की कुछ परिभाषाएं भी पढ़ेंगे हम। और इसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीति की विशेषता जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा। और इसके बाद हम चौथा टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो राजनीतिक का महत्व। ये हमारी सिंगल वीडियो बनेगी और सिंगल वीडियो में हम सारे सारे टॉपिक कवर करेंगे। और ये जो मैं बता देता हूँ आपको, ये सीबीसी सेमेस्टर जो है हमारा, न्यू पैटर्न जो हमारा है उसी पैटर्न के अनुसार हम पढ़ेंगे ये आज। तो आप अगर आपको ये पढ़ना है, अगर आपको ये मतलब आप डीयू के स्टूडेंट्स हैं, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए वीडियो को। ये देखिए आपके सामने एक हेडिंग खुली हुई है, इसमें लिखा हुआ है राजनीतिक क्या है, राजनीतिक का सिद्धांतिकरण। तो यहाँ से आप देखिए, सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, इसे सही ढंग से समझने के लिए राजनीतिक तथा सिद्धांत इन दोनों को शब्दों को अलग अलग समझना आवश्यक है। ये देखिए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए अगर हम राजनीतिक क्या है, क्या राजनीतिक का सिद्धांतिकरण क्या है, तो उससे पहले अगर हम राजनीतिक राजनीति जो वर्ड है उसको समझ लें कि राजनीति और सिद्धांत का जो वर्ड का मतलब है वो क्या है, तो हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी इस टॉपिक को पढ़ने और समझने में। तो चलिए सिद्धांत और पहले राजनीतिक और सिद्धांत का सही मतलब जान लेते हैं कि राजनीतिक और सिद्धांत का मतलब क्या है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सिद्धांत 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 से स्टार्ट करते हैं हम पहले। सिद्धांत वह यह शब्द है, यह शब्द थ्योरी का ग्रीक शब्द है। पहली बात तो ये कि जो सिद्धांत जो शब्द है वो थ्योरी का ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ है जो हमारे आसपास घटित हो रहा है उसे समझने की क्रिया अथवा प्रक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। मान लीजिए जो भी आप आपके पास अपने आसपास जो घटित होते हुए देख रहे हैं, होते हुए देख रहे हैं, उससे उसका मतलब ही होता है सिद्धांत। उसको ही इंग्लिश में थ्योरी जो ग्रीक शब्द है उससे लिया गया है सिद्धांत, तो उसको ही थ्योरी सिद्धांत जो आपके आसपास घटित हो रहा है उसकी व्याख्या करना, उसको बताना, उसको कहते हैं सिद्धांत सिद्धांत। और अर्थात शब्द सिद्धांतिकरण की संबंध अर्थात शब्द सिद्धांतिकरण का संबंध किसी उस घटना को समझने का प्रयत्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी घटना समझने का प्रयत्न है। ये तो हमने सिद्धांतिकरण का मतलब समझ लिया। अब हम समझते हैं राजनीति का मतलब क्या है। राजनीति यदि सिद्धांतिकरण का अर्थ किसी विषय को समझने की इच्छा है तो राजनीतिक वह केंद्र बिंदु जिसका सिद्धांतिकरण किया जाना है। आप इसको अगर वर्ड को थोड़ा सही से समझेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर मान ली किसी बात की हम व्याख्या कर रहे हैं तो किस विषय की व्याख्या कर रहे हैं वो है राजनीतिकरण, राजनीतिक। अगर मान ली सिद्धांतिकरण यह है कि हम अगर मान ली हमारे पास कोई घटना हुई, हम वो है कि सिद्धांतिकरण है, हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं, वो सिद्धांतिकरण हो गया, तो हम किस बात की व्याख्या कर रहे हैं वो है राजनीतिकरण। यदि राजनीतिक यदि सिद्धांतिकरण का अर्थ किसी विषय को समझना समझने के लिए इच्छा है तो राजनीतिक का वह केंद्र बिंदु है जिसका सिद्धांतिकरण किया जाना है। ये आप मोटा बिल्कुल सही तरीके से समझ लें, अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं अपने पास। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं राजनीतिक सिद्धांत की कुछ परिभाषाएं। अब हमने समझ लिया कि राजनीतिक और सिद्धांत का मतलब क्या होता है अलग अलग। तो अब हम समझते हैं इसकी कुछ परिभाषाएं जो कि कुछ मतलब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस पर लिख पहले हमने लिखा साधारण तौर पर, साधारण तौर पर राजनीति का क्या मतलब होता है पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद हमें आसानी होगी थोड़ा सा कि इसको मतलब आगे हम इसको समझेंगे। साधारण तौर पर ये देखिए, साधारण तौर पर राजनीति के सिद्धांत राज्य से संबंधित ज्ञान है जिसमें राजनीतिक का अर्थ है सार्वजनिक हित का विषय तथा सिद्धांत का अर्थ है क्रमबद्ध ज्ञान। अब राजनीतिक सिद्धांत का राज्य से संबंधित ज्ञान है, मतलब हमारे आसपास जो हमारे जो राज्य, मान लीजिए राज्य है उसमें जो कुछ भी काम हो रहा है सार्वजनिक हित के लिए, सिर्फ ना कि मतलब दूसरे काम के लिए, सार्वजनिक हित के लिए जो भी काम हो रहा है, जो भी विषय है सार्वजनिक हित के लिए, यदि साफ इसमें लिखा हुआ है सार्वजनिक हित के विषय में, और उसको जो क्रमबद्ध करना है मतलब उसकी सारी व्याख्या को नोट डाउन करना है कि मतलब उसको समझ समझ के लिखना है कि या फिर मतलब जो भी उसके बारे में बिल्कुल विवेचना
लिखना है बिल्कुल अच्छी तरह से विशेष तरीके से लिखना है, तो उसके उससे साधारण तौर पर हम लिख सकते, ये कह सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत राज्य से संबंधित ज्ञान है, जिसे राजनीतिक अर्थ है राजनीतिक सार्वजनिक हित विषय तथा सिद्धांत का अर्थ है क्रमबद्ध ज्ञान। ये इसका साधारण तौर पर मतलब हो गया, और बाकी इसका मतलब आगे क्या है उसको वो हम देखते हैं। अब आते हैं डेविड हेल्ड के अनुसार। डेविड हेल्ड कोई एक मतलब बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे तो होंगे, तो उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है कि उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो राजनीति उनका कहने का उनका जो उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत था वो हम वो पढ़ेंगे अब। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणाओं और सामान्य नियमों का वह समूह है जिससे सरकार और राज्य समाज की प्रकृति उद्देश्य तथा प्रमुख विशेषता एवं व्यक्ति की राजनीतिक समझताओं के बारे में विचार परिकल्पनाओं को विवरण निहित होते हैं। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं आसानी से सही तरीके से आराम से, तभी हमें समझ आएगा। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणाओं और संबंधित सामान्य नियमों का वह समूह है। इसका कहने का मतलब यह है कि जितनी भी हमारे जीवन में संबंधित धारणाएं हैं नियम हैं उसका जो वो समूह है जो जिसमें सरकार राज्य और समाज की प्रकृति उद्देश्य तथा प्रमुख विशेषताएं एवं व्यक्ति की राजनीतिक क्षमता के बारे में विचार प्रक्रियाओं का विवरण निहित होता है। इनका कहने का मतलब है जो भी हमारे ज़िंदगी के लाइफ होते हैं नियम होते हैं कानून होते हैं तो उसमें उसमें सरकार राज्य समाज की प्रकृति उद्देश्य तथा प्रमुख विशेषता एवं व्यक्ति की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में विचार परिकल्पनाओं का विवरण निहित होता है। ये इनके कहने का मतलब के अनुसार है कि पोल राजनीतिक ये है कि राजनीतिक में किसी व्यक्ति के इच्छा शक्ति और उनके नियम जीवन का रहस्य और धारणा जो होती हैं उन सबको जिसमें सरकार राज्य और प्रकृति का उद्देश्य ये सबको मिला के एक राजनीतिक सिद्धांत बनता है। इनका कहने का ये अर्थ था। अब आते हैं हम एंडू हैकर के अनुसार। एंडू हैकर भी कोई एक मतलब है जो मैं सबके बारे में आपसे जब बता तो नहीं सकता आपके सामने आपको, मगर इतना हाँ ये कोई बड़े व्यक्ति हैं जो इनका जिनका नाम बुक में आया हुआ है तो समझते हैं इनके अनुसार क्या कहना है। राजनीतिक सिद्धांत जहाँ एक तरफ अच्छे समाज और अच्छे राज्यों से संबंधित नियमों का नियम खो निष्पक्ष खोज है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक और राजनीतिक सामाजिक वास्तविक का निष्पक्ष ज्ञान भी है। इनका कहने का मतलब है राजनीतिक सिद्धांत जहाँ एक तरफ अच्छे समाज और अच्छे राज्यों से संबंधित नियम की नियम निष्पक्ष खोज है, ये कह रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है अगर हम एक अच्छे समाज की खोज अच्छे राज्य और अच्छे नियमों को खोजने चलते हैं तो वो है राजनीतिक सिद्धांत। वहीं दूसरी पहली तरफ तो ये हो गया, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता का निष्पक्ष ज्ञान भी है। जब हम और इनका कहने का मतलब दूसरी तरफ पहली तरफ तो ये हो गया कि हम उसका खोज निष्पक्ष खोज कर रहे हैं और दूसरी तरफ जब उसका ज्ञान ले रहे हैं तो वही है राजनीतिक सिद्धांत। अब आते हैं जॉर्ज कैटलिन के अनुसार। जॉर्ज कैटलिन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान, ये देखिए जॉर्ज कैटलिन के सामने अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन शास्त्र दोनों का मिश्रण है। इनका कहने का अर्थ है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक विज्ञान जो राजनीतिक की विज्ञानीता विज्ञान होता है, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जिसको राजनीतिक दर्शन शास्त्र को समझना देखना और उनके नियमों का पालन करना ये सब राजनीति इन सबको इन दोनों को मिलाकर ही राजनीतिक सिद्धांत मिश्रण ही बनता है। इनका कहने का अर्थ ये है। अब आते हैं हम राजनीतिक सिद्धांतों का हम गुल्ड और क्लोब की व्यापक आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। गुल्ड और क्लोब दो व्यक्ति हैं कोई की व्यापक परिभाषा से बेहतर समझा जा सकता है समझ सकते हैं इन्होंने यहाँ पर बताया। उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक शास्त्र का वह भाग है जिसके निम्नलिखित अंग है। अब निम्नलिखित अंग हम देखते हैं इनके निम्नलिखित के अंग क्या क्या हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनके गुल्ड और क्लोब जो मैंने आपको ऊपर बताया है ये रहा गुल्ड और क्लोब की व्यापक परिभाषा से बेहतर समझ सकते हैं। गुल्ड और क्लोब दो व्यक्ति हैं उनके उनके अनुसार कुछ अंग है राजनीतिक सिद्धांत के जिससे हम उनकी परिभाषा राजनीतिक सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके देखिए टोटल 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है राजनीतिक दर्शन शास्त्र। यह राजनीतिक विचारों के इतिहास का अध्ययन और राजनीतिक मूल्यांकन से संबंधित है। राजनीतिक दर्शन शास्त्र का मतलब है कि उस राजनीति के पूरे इतिहास को खगोलना उसे समझना पढ़ना उसे राजनीतिक दर्शन शास्त्र कहा जाता है। पहला टॉपिक उनका अंग तो हो गया ये एक वैज्ञानिक पद्धति इसलिए कि वैज्ञानिक पद्धति है क्योंकि इसमें दिमाग और बिल्कुल समझ बुद्धि बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है इसलिए इसको एक वैज्ञानिक पद्धति भी कहा गया है। राजनीतिक विचारों का विश्लेषण यहाँ पर देखिए राजनीतिक विचारों का विश्लेषण राजनीतिक विचारों का विश्लेषण यहाँ पर इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि राजनीतिक जो विचार होते हैं उनको सही तरीके से बिल्कुल एक एक वर्ड को मतलब आप देखते हैं कभी भी अगर हम पॉलिटिक्स थोड़ी समझते होंगे अभी वैसे भी पॉलिटिकल राउंड्स के हैं स्टूडेंट्स से तो आप ज़रूर अच्छे अच्छा लगता होगा आपको देखना। तो आप न्यूज़ में देखते होंगे कि कभी कभी बड़े बड़े राजनेता छोटी छोटी बातों को लेकर बिल्कुल मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े पंगे खड़े कर देते हैं आपने देखा ही होगा। तो वही सिस्टम है इसमें राजनीतिक विचारों को विश्लेषण बिल्कुल उनकी बातों का सही तरीके से विश्लेषण करना। और फिर आता है पाँचवा राजनीतिक व्यवहार के सामान्य नियमों की खोज तथा उनका क्रमबद्ध विकास।
अब इसमें चौथा पॉइंट उन्होंने दे रखा है कि राजनीतिक व्यवहार का सामान्य नियमों की खोज, कि राजनीतिक व्यवहार के कुछ ऐसे सामान्य नियम खोजे जाएं तथा उनका क्रमबद्ध विकास भी किया जाए। तो ये चार पॉइंट अगर मिला दें तो गुल्ड और क्लोब जो दो व्यक्ति हैं उनके अनुसार ये चार पॉइंटों को मिलाकर राजनीतिक सिद्धांत की अच्छी परिभाषा तैयार होती है। ऊपर दिए गए सभी राजनीतिक परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इनका संबंध केवल इस बात का अध्ययन करना ही नहीं है कि राज्य कैसा है, बल्कि यह भी है कि राज्य कैसा होना चाहिए। इनका ये देखिए, अगर इसमें सिर्फ हमें ये नहीं बताया गया कि राजनीतिक हम कैसे राजनीतिक परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका संबंध केवल इस बात को अध्ययन करना नहीं है कि राज्य कैसा है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत का मतलब तो ये था कि राजनीति के बारे में अच्छे हित के बारे में क्रमबद्ध विकास वो लिखना, नोट डाउन करना। और अब वो सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब केवल ये नहीं है कि राज्य के बारे में अध्ययन करना, बल्कि उनका विकास भी करना इसमें शामिल किया जाता है। तभी हम राजनीतिक सिद्धांत के सही मतलब को समझ सकते हैं और उसे बिल्कुल अपने उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब आते हैं राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता। अच्छा, राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता क्या है, ये इसमें एक मतलब पॉइंट दिया गया है, वो मतलब इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांतों में व्यक्ति, समाज तथा इतिहास की व्याख्या होती है। पहली बात तो ये, राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं उसमें व्यक्ति, समाज और इतिहास की व्याख्या होती है। ये व्यक्ति और समाज की प्रकृति की जांच करते हैं, एक समाज कैसे संगठित होता है और कैसे काम करता है इसके बारे में भी पता करता है। पहला टॉप पॉइंट तो हमारा ये हो गया। मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा और सही भी रहेगा, तो इसलिए आप नोट डाउन करते रहें इसको। पहला टॉप पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा आता है, राजनीतिक सिद्धांत किसी विशेष पर आधारित होते हैं। ये देखिए, राजनीतिक सिद्धांत आपको पहले बता दें, जब राजनीति का अर्थ होता है, वो सिद्धांत का अर्थ होता है किसी जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, और राजनीति का मतलब होता है किसी विषय। तो इसका मतलब यही है, इसका इन्होंने यहाँ पर यही कहा है कि इसका इसकी जो विशेषता है वही है, राजनीतिक सिद्धांत किसी विशेष विशेष किसी विषय विशेष पर आधारित होते हैं। किसी विशेष जो सब्जेक्ट हो गया, मतलब जिस मुद्दे पर हमें बात करनी है उसका बिल्कुल अच्छे तरीके से विश्लेषण किया जाता है, उसी को राजनीतिक सिद्धांत का विशेष तत्व बताया गया। राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य केवल राजनीतिक वास्तविक को समझना और उसकी व्याख्या करना ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए साधन जुटाना और ऐतिहासिक प्रक्रिया के तेज करना भी है। ये बात आपने पहले ही पढ़ी होगी अभी, तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी वीडियो को छोटा बना देते हैं, क्योंकि बड़ी वीडियो आप सब लोग को देखनी पसंद नहीं होती, इसलिए मैं छोटे को सोचता हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट बातों को मैं आपको समझाऊँ और सही तरीके से। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। अब चौथा पॉइंट आता है, राजनीतिक सिद्धांतों में विचारधारा का भी समावेश होता है। आपको मैं बता दूं, अब राजनीतिक विचारधाराओं में राजनीतिक सिद्धांतों में विचारधारा का समावेश भी होता है। अब ये कैसे होता है, आपने अगर 12th क्लास में पढ़ा होगा कि अमेरिका और सोवियत संघ दो राज्य, मतलब दो एक कंट्री थी, एक अमेरिका था, अमेरिका तो अभी भी है, सोवियत संघ का विघटन हो चुका है 1991 में। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो अमेरिका जो है वो पूंजीवादी देश था, एक तरीके से वो पूंजीवाद का समर्थन करता था, और सोवियत संघ समाजवाद का। तो वो इसमें यही बताया गया है, राजनीतिक सिद्धांतों में विचारधारा का समावेश भी होता है, मतलब जिसके विचार जैसे होते हैं उसका समय उनको मिलाकर ही राजनीतिक सिद्धांतों में, जैसे जो व्यक्ति होगा उस वो अपनी विचारधारा वैसे ही रखेगा, तो उसमें यही बताया गया है। अब आते हैं हम राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व। आपको मैं बता दूं कि राजनीतिक विशेष राजनीतिक के महत्व और राजनीति की विशेषता, ये दोनों अक्सर मिलते जुलते हैं, तो आप इनमें कन्फ्यूज़ मत हो, आप उनको अगर उल्टा सीधा भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मगर हाँ पॉइंट्स को बिल्कुल सही तरीके से लिखें तभी आप को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए राजनीति के सिद्धांत के महत्व पढ़ते हैं। अब ये देखिए, पहला पॉइंट इसमें दे रखा है, राजनीतिक सिद्धांत राज्य और सरकार की प्रकृति तथा उद्देश्यों को क्रमबद्ध ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं। पहला फायदा तो ये हो गया भाई कि ये हमारी सरकार की प्रकृति का तथा उद्देश्य, जो उनके उद्देश्य होते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा आता था, इसी में सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता तथा किसी भी समाज के आदर्श एवं उद्देश्य में संबंध स्थापित करने में सहायता करते हैं। ये देखें, ये किसी भी समाज के आदर्शों एवं उद्देश्यों में संबंध स्थापित करने में सहायता। मान लिया पहले, जैसे आपने देखा होगा, पिछली जातियाँ होती, पिछड़ी जातियाँ होती हैं, अब कोई भी पता नहीं चलता कि पिछड़ी जाति का कौन व्यक्ति है, चाहे मतलब ऊँची जाति कौन जाति, क्योंकि अभी ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो वही इसमें बताया गया है कि उसमें कोई आदर्श संबंध स्थापित करना बिल्कुल आसान हो जाता है। अब ये तीसरा पॉइंट आता है, ये व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता, समा संपत्ति, न्याय आदि के बारे में सचेत करवाते हैं। तो
ये देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, न्याय आदि के बारे में सचेत करवाते हैं। ये राजनीतिक सिद्धांत जो तो हमें बताता है कि हमारी समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, हमारी संपत्ति क्या है, न्याय हमें दिलवाता है, तो ये सब चीज़ें भी हैं। और चौथा इसका महत्व जो है वो है सामाजिक समस्या को घटाने के में भी मदद करता है, जैसे गरीबी हो गई और हिंसा हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, जातिवाद हो गया, इन सबको हटाने में भी मदद करता है। तो अब ये हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। हमने सारे जो टॉपिक आपको बताए थे शुरू में वो सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपको नोट डाउन करना है इसको तो आप नोट डाउन भी इसको कर सकते हैं।